साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। हम कुछ दिन बाद राजस्थान में एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा अनोखा गांव है जहां पर एक भी मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है और ना ही धार्मिक कर्मकांड में वहां के लोग विश्वास करते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि वहां के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर है और व्यापार भी करते हैं। यानी कि देश के अंदर जहां पर एक तरफ पाखंडवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड चरम सीमा पर है, देश के अंदर रोजाना झगड़े हो जाते हैं इनको लेकर, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर चूरू जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर पाखंडवाद, कर्मकांड, आडंबर जैसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती। हम आपको बता दें कि यदि आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इंटरनेट पर आपको इससे संबंधित बहुत सारी खबरें मिल जाएगी कि हमारे देश के अंदर कई भागों में अंधविश्वास गहरी जड़ें जमा चुका है। कुरीतियों ने इस कदर पैर पसार रखे हैं कि उन्हें पार पाना असंभव सा लगता है। लेकिन राजस्थान के चूरू जिले में एक अनोखा गांव है जहां एक भी मंदिर नहीं है। इस गांव के लोग किसी धार्मिक कर्मकांड में विश्वास नहीं करते। इस गांव में कोई भी मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कर्मकांड नहीं होता। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यहां मृतकों की अस्थि परवाह जैसा कोई भी रिवाज नहीं होता। यहां मरने वालों की अस्थियों को बहते पानी में प्रवाहित नहीं किया जाता है। हम बात कर रहे हैं चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव लांबा की ढानी के बारे में। यहां के लोग कर्म में विश्वास करते हैं। इसी के दम पर आज यहां के लोग शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर चुके हैं और अपने गांव को देश भर में नई पहचान दे रहे हैं। लांबा की ढानी के लोगों को अपनी मेहनत पर दृढ़ विश्वास है। धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते हुए ये लोग अपने के मरने के बाद अस्थियां भी गंगा जी में प्रवाहित नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि तकरीबन 105 घरों की आबादी वाले इस गांव में कोई भी मंदिर नहीं है, जबकि यहाँ लगभग 100 जाटों के घर हैं, 5 घर नायकों के और करीब 10 घर मेघवाल समाज के हैं। अपने कर्म के बूते और लगन के दम पर यहाँ के लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। लांबा की ढानी से करीब 25 से 30 युवक सेना में है, इतने ही पुलिस में है और 20 के आसपास रेलवे में और तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गांव का नाम व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस ढानी के 5 युवकों ने खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त किए। वहीं 2 युवक 2 खेलों के कोच भी हैं। कोई श्राद्ध नहीं होता, कोई पिंडदान नहीं होता और गाँव पूरी तरह से कृषि प्रधान है, पाखंडवाद मुक्त है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लोगों को मंदिर जैसी संस्था में शुरू से ही विश्वास नहीं था। वजह थी कि लोगों का सुबह से शाम तक मेहनत के काम में ही लगे रहना, व्यस्त रहना। बहरहाल यहां के लोग नास्तिक भी नहीं है, लेकिन धार्मिक व अंधविश्वास जैसी चीज यहां दिखाई नहीं देती। बताया जाता है कि मेहनत कश बुजुर्ग कहा करते थे कि मरण की फुर्सत कोने, राम के नाम की बात करो नो, यहाँ मरने की भी फुर्सत नहीं है और आप राम नाम की बात कर रहे हो। गांव के लोग अंधविश्वास और आडंबर से कोसों दूर है। इसी की वजह से वे अपनी कोशिशों के बूते प्रशासनिक सेवा, वकालत, चिकित्सा, सेना और खेलों में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि गांव के 2 लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी है, वहीं लगभग 2 प्रोफेसर है और 7 वकील और 35 अध्यापक है, 30 पुलिस सेवा में और 17 लोग रेलवे में है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवार भी है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और द्वितीय विश्व युद्ध 1965 व 1971 के युद्धों में भी उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया था। उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। सेना में लगभग 20 साल की सेवा के बाद उनको सेना मेडल में भी सम्मानित किया गया था। यह जो हमने आपको खबर बताई उससे संबंधित जो बातें बताई यह लगभग 2-3 वर्ष पुरानी है और इसके बाद वहाँ पर और तरक्की हुई होगी और लोगों ने नाम रोशन किया होगा और सैकड़ों लोग बड़े बड़े पदों पर भी पहुँचे होंगे। सैकड़ों लोगों ने अच्छे अच्छी संस्थाओं में नाम भी कमाया होगा। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के अंदर यदि पाखंड मुक्त देश बना दिया जाए, यदि देश को आडंबर मुक्त बना दिया जाए, किसी भी कर्म कांड व मंदिर मस्जिद जिनके ऊपर रोजाना लड़ाई होती है उससे मुक्त कर दिया जाए तो देश कितनी तरक्की करेगा। यानी यहाँ पर इससे यह साबित होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर व मस्जिद से ही भला कर सकते हो अपना, जरूरी यह है कि आपका कर्म शुद्ध हो।
आप मेहनती हो, इसी से ही आपकी तरक्की हो सकती है। और यही कबीर साहब ने, संत शिरोमणि रविदास जी ने, पेरियार ने, महात्मा ज्योतिबा फूले व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व शहीद आजम भगत सिंह जी ने समझाने की कोशिश की कि देश के अंदर जब तक यह आडंबर कर्मकांड, पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराएं व देश के अंदर मस्जिद व मंदिर के नाम पर झगड़े होते रहेंगे तो देश के अंदर कभी भी तरक्की नहीं हो सकेगी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में दो शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए बीएच न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।